मैजिक क्लासेस, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो से मैंने बताया था आप लोगों को कैश एंड देयर यूजेस, उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 10 टाइप द प्रोनाउंस में 6 टाइप द प्रोनाउंस किस प्रकार से कैश वाइज में 3 टाइप्स में उसको बांटा गया है, उसका किस प्रकार से नाउन मीनिंग में कारक और वर्ब मीनिंग में स्थानांतरण करना होता है, तो किस प्रकार से प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस जब पॉसेसिव एडजेक्टिव में आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन में जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है, तो किस प्रकार से जो ना उसका रूप बदल जाता है, रूप बदलने के साथ साथ उसका मीनिंग भी बदल जाता है और यूज करने का सेंटेंस का टाइप भी बदल जाता है। तो आज हम लोग यह सीखने वाले हैं इस आज की वीडियो में कि उन सारे 5 टाइप ऑफ प्रोनाउंस में से आज हम लोग बताने जा रहा हूँ आप लोगों को पॉसेसिव केस, यूजेस ऑफ पॉसेसिव केस एज ए सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के रूप में इसको कैसे यूज में लाते हैं। तो आज इसे आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, पॉसेसिव केस को, जैसे मैंने बताया था कि पॉसेसिव का मतलब ही होता है क्या, पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार, जो दुनिया में आपको आंखों के सामने देख रहा है वो सभी चीज़ों में किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार है। तो किसी का 60% अधिकार है, किसी का 100% अधिकार है, जैसे कि कोई स्टूडेंट सब क्लास में बैठता है क्लास करने के लिए, तो क्लास में उसका 100% अधिकार नहीं होता है, बट 60% अधिकार होता है क्योंकि फी देता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है ना, 60% पोसेशन कोई भी चीज़ों में हम कैसे करेंगे और 100% पोसेशन सेंटेंस के रूप में कैसे लाएंगे, उस चीज़ के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैश जो है ना चैप्टर, ये चैप्टर जो कैश एंड देयर यूजेस एक बेसिक ग्रामर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर ना ही आपको अच्छी तरह से टेंस समझ में आएंगे, ना अच्छी तरह से आपको पैसिव समझ में आएंगे डेपली, ना ही आप नरेशन को अच्छी तरह से कमांड कर पाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ को, जितने भी फॉर्मेशन है प्रोनाउंस का, सभी फॉर्मेशन को आप उसकी यूजेस को प्लस उसका फॉर्मेशन को अच्छी तरह से आप देख ले। मैंने पहले वीडियोज में इसको बताया है किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है प्रोनाउंस का। आज हम बेसिकली पॉसेसिव केस को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के बीच, है ना, पॉसेसिव इसको यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसको ज़्यादातर यूज जो हम लोग करते हैं ना वो क्या है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम परिचित कराना, डेमोन्स्ट्रेटिव का ही मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को, है ना, कोई व्यक्ति को फैमिलियर बनाना, मीन्स परिचित कराना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दिस दैट दिस दोज, 4 प्रकार का ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, 5वां कोई और प्रोनाउंस नहीं होता है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो दिस हो गया सिंगुलर नंबर, और इसी का प्लूरल क्या, दिस मतलब यह होता है ना, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज, जिसका मतलब होगा ये या ये सब, समझे ना। और एक क्या है ना दैट, दैट मतलब क्या होता है, वह। तो इसका पॉसेसिव, इसका प्लूरल नाउन हो जाएगा प्लूरल नंबर में दोज, इसका मतलब होगा वो सब। इस चीज़ के रूप में आप प्रयोग में इसे ला सकते हैं। तो देखते हैं 60% पोजिशन पॉसेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया, चर्चा किया, पहला पॉसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग में, जैसे 100% में कैसे प्रयोग लागे, इसी तरह से आई से ही देखेंगे, पहले यहाँ से माई से, जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव ना, जैसे यह सपोज दैट, मान लीजिए क्लास में कोई पेन खो गया है ना, तो टीचर ने बोला हु इज दिस पेन, तो वहाँ पे दो स्टूडेंट्स खड़ा होते हैं और एक बोलते हैं सर दिस इज माई पेन, बट दूसरा स्टूडेंट जो है ना खड़ा होता है, सर बोलता है सर दिस पेन इज माइन, सर यह कलम मेरी है, और एक लड़का बोल रहा है दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है सर। तो डेफिनेटली है कि टीचर्स उसी को पेन देगा जिसको, हाँ, दिस पेन इज माइन बोला है, यह कलम मेरी है, क्योंकि उसमें 100% पोजिशन बन रहा है, अधिकार दिखा रहा है लड़का, है ना। तो ये 100% पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर रहा है, जिस कारण से वो कलम, है ना, नेक्स्ट स्टूडेंट जो माय ये सब प्रोनाउंस का प्रयोग कर रहा है उनको मिलने वाला है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे, जैसे हो गया यह कलम, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो इसको हम लोग बनाते हैं बेसिकली, दिस इज माय पेन। अब इसी को हमको पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है, तो हिंदी में ही परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यह कलम मेरी है, इसका मतलब हो जाएगा यहां से यहां तक, पहले यह आपका सब्जेक्ट के रूप में बनाना पड़ेगा दिस पेन, उसके बाद सिंगुलर नंबर है इसे लगाइए दिस पेन इज, उसके बाद मेरा मेरी, आप 100% का प्रयोग करना है, यह 100% प्रोनाउन का, जैसे माइन, दिस पेन इज माइन, हो जाएगा
यह कलम मेरी है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बना सकते हैं, यह हमारी कलम है, यह हमारी कलम है। इसके बनाएंगे दिस इज आवर पेन। लेकिन इसको पॉसेसिव प्रोनाउन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे हिंदी को, हो जाएगा यह कलम, यह कलम हमारी है। इट्स मीन दिस पेन इज आवर्स, आवर्स। देखे होंगे वी का ऑब्जेक्टिव केस जिसे मैंने यहाँ पे बनाया है आवर, आवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% को अधिकार में दिस पेन इज आवर्स। हम बनाएंगे इसी प्रकार यह उसकी कलम है, यह कोई लड़का का है, पेन होने के कारण यहाँ उसकी हो रहा है क्योंकि पेन स्त्रीलिंग है, तो यह उसकी कलम है, हो जाएगा दिस इज हिज पेन। और आगे यहाँ पे इसी को पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो जाएगा दिस पेन इज हिज। फिर इसी प्रकार से बनाएंगे सी से, तो सी से बनाएंगे तो यह उसकी कलम है, कोई लड़की का है तो यह उसकी कलम है, तो हो जाएगा दिस इज हर पेन। इसको हम बनाएंगे पॉसेसिव प्रोनाउन में, हो जाएगा यह कलम उसकी है, मीन्स दिस पेन इज हर्स। तो इसी प्रकार से देखें सभी प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे, 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को, मीन्स यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग नहीं करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि इट का प्रयोग निजी वस्तुओं की ज़्यादा प्रयोग किया होता है, इसका इसकी इसके के अर्थ में, आज और दो जो बच रहा है उसे भी बना लेते हैं उसके बाद उसको, है ना। बेसिकली पॉसेसिव केस जो होता है ना, इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में ही प्रयोग लाते हैं, बिना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बगैर पॉसेसिव केस आप वो नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी पॉसेसिव केस में जितने सारे चीज़ होते हैं हमेशा ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में प्रयोग में लाते हैं उसके सेंटेंस को बनाने में। तो दिस यहाँ पे मैंने इससे बना के दिखा रहा हूँ, फिर इससे भी दिखाऊंगा, फिर इससे भी इससे भी दिखाऊंगा पूरा, और फिर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके बना करेंगे, तो डेफिनेटली है कि आप पॉसेसिव केस यूज पॉसेसिव केस को अच्छी तरह समझ पाएंगे और उसको सेंटेंस बना करके उसकी यूजेस के बारे में समझ पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे है यू, यू है तो यू एक प्रोनाउन है, बोलेंगे यह आपकी कलम है, यह आपकी कलम है, हो जाएगा दिस इज योर पेन। लेकिन इसको पॉसेसिव प्रोनाउन में दिस, यह कलम आपकी है, यह कलम आपकी है, हो जाएगा दिस पेन इज ours। उसी प्रकार से यह हो जाएगा दे ना, चले दे, यह उन लोगों की कलम है, यह उन लोगों की कलम है, होगा दिस इज देयर पेन, यह उन लोगों की कलम है। लेकिन इसे पॉसेसिव केस में पॉसेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा यह कलम उन लोगों की है, यह कलम उन लोगों की है, मीन्स दिस पेन इज देयर्स। तो आपने पूरे 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को जिसको देखे कि किस प्रकार से आप इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन को किस प्रकार से यूज में लाते हैं, कितना सेंटेंस में परिवर्तन हो जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के यूजेस से देखेंगे यहाँ पे। तो ये सारे मैंने दिस से बनाया, आप इसे दैट से बना करके इसे प्रैक्टिस कर लें, है ना।
क्योंकि दिस और दैट दोनों में इज लगने वाला है क्योंकि दोनों सिंगुलर नंबर है, है ना। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे दिस है जहाँ देख लेंगे यह मेरी कलम है, तो वहाँ पे हमको दैट का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, वह मेरी कलम है, तो हो जाएगा दैट इज माई पेन, लेकिन उसको पसंद बदलना आएगा तो हो जाएगा वह कलम मेरी है, तो दैट पेन इज माइन। उसी प्रकार से हमें यहाँ बदलना पड़ेगा वह हमारी कलम है, तो क्या हो जाएगा दैट इज आवर पेन, है ना। और उसको बदलना है तो वह कलम हमारी है, तो हो जाएगा दैट पेन इज आवर्स। फिर हमें बदलना है यह सॉरी वह उसकी कलम है, तो क्या हो जाएगा दैट इज हिज पेन। पॉसेसिव केस में उसको बदलेंगे तो हो जाएगा दैट पेन इज हिज, यह यहाँ पे हिंदी मैंने नहीं लिखा है शायद, यह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है। तो क्या हो जाएगा ना, हमको इसको दैट में बदलना है तो दैट इज दैट पेन, सॉरी नो ठीक है, दैट पेन इज हिज, वह उसकी कलम है। चलिए अब सी से बदलना है, सी प्रोनाउन से, तो हमें बदलना है क्या दिस इज हर पेन, या उसकी कलम है, तो लेकिन इसको दैट में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दैट वह उसकी कलम है, तो दैट इज हर पेन। फिर इसको पॉसेसिव प्रोनाउन में इसको बदलेंगे वह कलम उसकी है, तो दैट पेन इज हर्स। और उसी प्रकार से हमें यह बदलना है कि यह आपकी कलम है, तो हो जाएगा यहाँ पे दैट से बदलना है, तो यह हो जाएगा दैट इज योर पेन, मतलब वह आपकी कलम है, तो वहाँ हो जाएगा वह कलम आपकी है, मीन्स दैट पेन इज योर्स। तो इस प्रकार से हमें दिस के जगह में फिर यहाँ भी बदल देते हैं, है ना, दैट में, तो कैसे होगा देखेंगे, यह उन लोगों की कलम है, तो जगह दिस इज देयर पेन, अब बदलना है उसको, है ना, वह कलम उन लोगों की है, तो दैट पेन इज देयर्स हो जाएगा। तो ये देख लीजिए दिस और दैट का मैंने प्रयोग करके दिखाया, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में बना करके, बनाने करके उसे समझने का प्रैक्टिस करें, जब बोल जाए फिर से पुनः वीडियो को देखें और देख करके पुनः उसको बताने का प्रयास करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है दीज और दोज का। तो दीज और दोज जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से मैंने दीज और दोज को प्लुरल के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लुरल के रूप में यहाँ इधर हम बना करके दिखा दे रहे हैं, है ना। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा दिस यूज ऑफ दिस और दैट, किस प्रकार से हम लोग दिस और दैट में आप पॉसेसिव प्रोनाउंस को यूज कीजिएगा और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को यूज कीजिएगा। अब हम लोग को देखना है कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ही जो एक प्रकार का आपका जो मैंने जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था पॉसेसिव प्रोनाउन सॉरी नॉमिनेटिव केस पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही प्रकार का प्रोनाउन है, है ना। और बीच में क्या बताया था, बीच में बताया था कि पॉसेसिव केस का दो भेद है, पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन, तो तीन हो गया भेद आपका प्रोनाउंस का। चौथा क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, और पांचवा क्या है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और छठा क्या है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो 10 प्रोनाउंस में आप 6 प्रोनाउंस का यूज आप यहीं पे सीख लिए, है ना, उसको सेंटेंस के रूप में किस प्रकार से लाना है। देखिए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को दिस दैट दिस दोस का प्रयोग हम लोगों ने पहले बताया कि किसी के परिचित किसी व्यक्ति को परिचित कराने के लिए हम इसको सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर के अनुसार से इसको यूज करते हैं। तो सिंगुलर नंबर के अनुसार से हमने दिस और दैट का प्रयोग किया, और अब प्लुरल नंबर के अनुसार से दिस और दोस का इस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रयोग मैंने सेंटेंस को लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप इसे देख करके समझें और समझ के कॉपी में लिखने का प्रयास करें। डेफिनेटली आप दोस का दोस प्रोनाउंस आप खुद बना लेंगे। जैसे कि मैंने दिखाया 60% अधिकार में पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है ना, ये सब मेरी कलम है, तो क्या होगा दीज आर माय पेंस। तो अभी आगे हमको क्या देखना है, इसी को पॉसेसिव प्रोनाउन में इसको 100% अधिकार में लाना है, तो कैसे लाएंगे, है ना, ये सब कल में क्या होगा ना, ये सब कल में मेरी हैं, तो जाएगा दीज पेंस आर माइन। उसी प्रकार से हमें क्या इसे लाना है, ये सब हमारी कल में है, तो दीज आर आवर पेंस, पॉसेसिव प्रोनाउन में इसको बदलेंगे तो हो जाएगा ये सब कल में हमारी हैं, तो हो जाएगा आगे दिस पेंस आर आवर्स। उसी प्रकार से देखेंगे ये सब उसकी कल में है मेल में, तो क्या होगा ना कि आगे दिस पेंस होगा हिज पेंस। नेक्स्ट क्या है ना, ये सब उसकी कल में है, इस प्रकार से दिस पेंस आर हिज, ये सब कल में उसकी हैं। आगे ये सब उसकी कल में फेमेल में, है ना, तो कैसे होगा दिस आर हर पेंस, तो इसी को पसंद 100% बनाना है, तो है ना, ये सब कल में उसकी है, दिस पेंस आर हर्स।
अब हमको करना है क्या, तुम्हारे में, जैसे यू में, यू प्रोनाउन से पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग इसको जब परिवर्तन होता है पॉसेसिव केस में तो दो प्रकार से होता है, दोनों प्रकार से एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या बोलते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में। तो देखिए एडजेक्टिव में कैसे होता है, ये सब तुम्हारी कल में है, तो जगह दीज आर योर पेन्स, इसी का बदलेंगे हम लोग, ये सब कल में तुम्हारी है, दीज पेन्स आर योर्स, उसी प्रकार से देखेंगे ये सब कल में, ये सब उन लोगों की कल में है, दीज आर देयर पेन्स, तो इसको बदलेंगे ये सब कल में उन लोगों की थी, दीज पेन्स आर देयर्स। तो इस प्रकार से मैंने क्या देखा, ये आपको मैंने दिस दीज से यूजेस ऑफ द दीज में दिखाया, आगे आप लोगों को बना के लाना है होमवर्क के रूप में, है ना। बेसिकली सभी क्लासेस, जैसे कि आप जैसे सिक्स क्लासेस के लिए एंड सेवन्थ क्लास के क्लासेस के लिए, एट क्लास के लिए, क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना। तो आप लोग सभी इसको क्या करेंगे, लिख करके अच्छी तरीके से दिस दैट दीज दोस सभी प्रोनाउंस में, आई मीन ऑल टाइप्स द टाइप्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपको उसको बनाना है। जैसे आपको, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है दोज को आप बनाएंगे, जैसे हो जाएगा एक मैंने दिखा रहा हूँ वहाँ पे लिख बना करके हो जाएगा दोज की जगह पे वो या वो सब, तो हो जाएगा वो सब मेरी कलम है, वो सब मेरी कलमे है, सॉरी यहाँ पे वो सब मेरी कलमे है, तो क्या हो जाएगा ना, वो सब मेरी कलमे है, तो हो जाएगा दोज आर माई पेन्स। तो आगे इसी प्रकार से हमको बोलना है, नेक्स्ट बदलना है 100% में, वो सब कलमे मेरी है, तो हो जाएगा दोज पेन्स आर माइन, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हमेशा सब में जितने सारे ये सब लिखे हुए हैं वहाँ पे वो सब करना है, और सभी जहाँ पे दीज लगाए हैं मैंने वहाँ पे दोज का प्रयोग करके आपको अच्छी तरीके से इसी के अनुसार से आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क के रूप में रहा, आप इसे दिस दैट दिस दोज, और जहाँ पे मैंने पेन से बनाया वहाँ पेंसिल से बनाए, बुक से बनाइए, है ना। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के कनेक्शन से बना सकते हैं, नो वर्ब से, बट नो वर्ब होना चाहिए, और वो सब से बना करके आप इसको यूजेस में ला सकते हैं। तो आज केस का पूरी तरह से मैंने कंप्लीट किया, यूजेस ऑफ द केस एंड द टाइप्स, और प्रोनाउंस को भी मैंने सिक्स टाइप को बताया, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई विल बी ऑन हेयर आई विल कम विथ यू विथ योर न्यू चैप्टर एंड आई विल मैंसन दैट इवन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वेन सो इजली वे मैन वेल इच एंड एवरी वन ऑफ माई साइड थैंक यू सी यू अगेन टुमोरो सी यू अगेन सॉरी नेक्स्ट वीडियोज़